हेलो महाशय, नमन। मोस्ट वेलकम टू द सोलंकी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स मीन्स फिजिक्स में ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज जिनको अगर हम जानना चाहें तो केवल वैल्यू की जरूरत होती है। सिर्फ मान पता हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, देन वी विल से दैट इज स्केलर। अदिश अदिश राशि बोलते हैं हम इसे, मतलब उसमें दिशा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या डायरेक्शन। जैसे हम बात करें द्रव्यमान की, किसी वस्तु का द्रव्यमान जैसे कहें 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है सफिशेंट। अब 2 किलोग्राम द्रव्यमान किस दिशा में है तो इसको नहीं कह रहा। तो 2 किलोग्राम हो गया, 2 मीटर स्क्वायर हो गया जो क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा। चली गई दूरी हो गई 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन वी आर ट्रेवलिंग, हम चल रहे हैं किस दिशा में, इसका कोई मतलब नहीं है। बस वी आर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स, इट इज सफिशियंट। तो सच टाइप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों का जो ग्रुप होता है इसको हम नाम देते हैं स्केलर्स। तो दे आर लार्ज इन अमाउंट, काफी है, लेकिन स्पेशली कुछ और भी है। कुछ ऐसी भी भौतिक राशियां होती हैं कि अगर उनको हमें पूरा पूरा जानना है तो वैल्यू के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हम व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उसकी दिशा क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो इट इज ए डस्टर और हम सब फोर्स लगाएं, तो आपको अगर फोर्स के इफेक्ट से क्या होगा, तो इट डिस्प्लेस इधर उधर खिसकेगा, किधर को जाएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा हमारी तरफ या ऊपर उठेगा, तो ये डिपेंड करेगा फोर्स की हमने किस दिशा में लगा है। जैसे फोर्स लगा यो जस्ट लाइक, तो ऊपर उठने वाला फोर्स तो यो ऊपर उठेगा, अगर फोर्स लगा इसको ले जाने वाला तो आगे ऊपर बढ़ेगा। कितना तेजी से आगे बढ़ेगा, कितना तेजी से ऊपर उठेगा, वो फोर्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड। तो यहां पर ये जानना जरूरी है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स एक ऐसी वेक्टर, कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, भौतिक राशि हो गई। भौतिक राशि मतलब जिसके मेजरमेंट होते हैं और उन्हें बोलते हैं भौतिक राशि। तो फोर्स एक ऐसी भौतिक राशि हो गई कि जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट इज द वेक्टर क्वांटिटी सदिश कंटेनिंग द वैल्यू एंड द दिशा बोथ। जैसे फोर्स होता है ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन कहेंगे, ऐसे हम वस्तु का वेग कहेंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहेंगे, वस्तु का भार तो मोमेंटम कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे हैं विच आर वेक्टर्स, इनकी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो डायरेक्शन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर्स एंड द वेक्टर्स। अदिश सदिश एक कॉमन कॉमन शब्द से लग रहा है, अदिश और सदिश।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सदिश वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके लिए तो एक वैल्यू लिख दी, उसका तो कोई स्पेशली रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे हमने कहा थ्री, तो थ्री लिख दिया, तो दैट इज सेम सिंपल। लेकिन अगर हम कहें कि वी हैव टू रिप्रेजेंट थ्री न्यूटन फोर्स विच इज एक्टिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो हमें दो चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, एक तो थ्री न्यूटन वैल्यू और दूसरा डायरेक्शन। तो उसको रिप्रेजेंट करने के दिया था टू मेथड्स। एक मेथड कह रहा था उसे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करें। एरो एरो मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें हेड लगा हो, जिसमें तीर से रिप्रेजेंट करें। तो एरो से रिप्रेजेंट करने में एरो की जो लेंथ होगी वो उसकी वैल्यू को बताएगी। अगर हम छोटी लेंथ का एरो बनाएंगे तो हम कहेंगे छोटी वैल्यू का वो वेक्टर है, वो बड़ा एरो बनाएंगे तो ज्यादा वैल्यू का है। एरो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। तो एक तो तरीका हो गया एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करें, और दूसरा मेथड होता है हम किसी भी सदिश को कैप सदिश में, कैप वेक्टर्स मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप। कैप सदिश मतलब ऐसे सदिश जो वन वैल्यू के होते हैं, और इनको बोलते हैं डायरेक्शनल वेक्टर्स। आई कैप डायरेक्शनल वेक्टर है, दिशात्मक सदिश है जो एक्स अक्ष की दिशा में होगा। जे कैप वाई अक्ष की दिशा में माना जाता है, और के कैप जेड अक्ष की दिशा में। तो पर्टिकुलर जो एक्सिस होती है, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनके कहलाते हैं यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर्स। तो किसी सदिश को हम आई कैप, जे कैप और के कैप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है एल्जेब्रिक, बीजगणित के निरूपण। तो किसी भी सदिश को आप चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस वे में बताएंगे आपको। तो किसी भी सदिश को वी कैन रिप्रेजेंट इन द बाय एरो नंबर फर्स्ट, वी कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। तो फिलहाल अभी तो हमने एक छोटा सा नोशन, एक छोटा सा एक आपको डिफरेंस बताया बिटवीन द स्केलर्स एंड द वेक्टर्स। थैंक्स अ लॉट।